भी नहीं पता है भैया, बहुत बड़का चीज नहीं है। आज के बारे में डिटेल पता करना या वैष्णो देवी के बारे में डिटेल पता करना कितना बड़का काम है। तो हम यहाँ आपको हज करना नहीं सिखा रहे हैं, आप इतना समझदार होंगे ठीक है। ये शहर कौन सा है? मक्का। ये मदीना। मक्का में सबसे फेमस जगह क्या है? काबा। क्या है? काबा। अब आप देखिए ध्यान से, हम आपको एक चीज देखते हैं। हम यहां लिखते हैं इस पर मक्का, ठीक है, मक्का लिख दिया और लिख देते हैं मदीना। क्या लिखे हैं? मक्का मदीना। कौन सा फोटो आया? ये मदीना, ये मक्का। लेकिन इस बिल्डिंग का नाम क्या है? काबा। बिल्डिंग का नाम काबा और यहां पर है मदीना। लेकिन मदीना ये शहर है, शहर का नाम क्या है? मदीना। उस शहर में ये मस्जिद है, इसे क्या कहते हैं? मस्जिद नबवी। और मक्का एक शहर है, उस शहर में ये काबा है, काबतुल्ला बोलते हैं, काबा। समझ गए कि नहीं? क्या तो ये जो दोबारा समझाते हैं वहां ले जाके अच्छा से समझियो भाई, नहीं तो लगता है सब हम ही को समझाने। तू ये जानता है, हम हज वज नहीं करना बता रहे आप लोग को। हम एक दो वीडियो सोचे थे इस पे बनाने के लिए, जस्ट बना के अपलोड करने वाले थे ना, तो कंट्रोवर्सी कर दिया सब हमारे नाम पे। हम कहेंगे ना तब ना बनाएंगे, ना तो कोई गड़बड़ हो जाएगा तो कहेगा सब देखो इतना सीधे कहता है सब कि टीचर नहीं पर टीचर है। सीधे एकदम, मतलब कुछ नहीं आता इसको, कुछ नहीं, एकदम अजीब हाल है। ये शहर कौन सा है? मक्का। शहर का नाम मक्का में क्या चीज है? काबा। मक्का में काबा, पूरा नाम काबतुल्ला, पूरा नाम काबत। एक दूसरा शहर का नाम है मदीना। मदीना में क्या है? मस्जिद नबवी। ये मस्जिद नबवी, एक्चुअली में ये मस्जिद नबवी नहीं है, मस्जिद नबवी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है मस्जिद नबवी। और बहुत पटना जितना देख रहे हैं ना, इधर खुद सोचिए ना, 20 लाख लोगों के रहने की जगह है, पटना में 14 लाख की क्षमता है, इतनी बड़ी की कैपेसिटी है वहां। तो मस्जिद नबवी बहुत बड़ा है, उस मस्जिद नबवी, मोहम्मद नबी मतलब था मोहम्मद साहब, तो वो मस्जिद वहां जहां नमाज वगैरह होती है वो हरे रंग का है, तो इसे हरे रंग को शब्द गुंबद जो हरा रंग का है इसे कहा जाता है गुंबदे खिजरा। क्या कहा जाता है? गुंबदे खिजरा। तो ये क्या है? गुंबदे खिजरा। ये काबतुल्ला। काबा कहां पर? मक्का। और ये मदीना कह सकते हैं, ये सॉरी मस्जिद नबवी। अगर पूरा कैंपस जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? मस्जिद नबवी। अब केवल ये हरा वाला रहता है तो गुंबदे का, ये मस्जिद नबवी कहिए। ये कहां पर है? मदीना। कहां पर है? मदीना। समझ में आ गया? शॉर्टकट में लोग इसी को मक्का मदीना कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? मक्का मदीना। लेकिन मक्का क्या है? शहर का नाम। मक्का क्या है? शहर का नाम। मदीना क्या है? शहर का नाम। मक्का में क्या मिलेगा? काबा, पूरा नाम काबतुल्ला, और मदीना में मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी शॉर्टकट में लोग क्या कहते हैं? मक्का मदीना। शॉर्टकट में मक्का लोग कहते हैं ना मक्का मदीना। हम एक बार ये भी बोल दिए थे शॉर्टकट में कि ये मक्का है, ये मदीना, जबकि आप गूगल पे भी देखिए हम क्या लिखे हैं, मक्का मदीना। क्या शहर का फोटो दिया? क्या दिया? यही सब मक्का मदीना ही काबा। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया में आता है। तो ये हज करने के लिए कौन जाते हैं? लोग मुसलमान लोग हज यात्रा, जैसे तीर्थ यात्रा होती है वैसे क्या हो जाती है? हज यात्रा। कहाँ होगी भैया? मक्का में। और ये क्या है? मदीना। मक्का मदीना शहर का नाम है, याद रहेगा ना। पश्चिम में वो काबा है, क्या चीज है? काबा। तो नमाज पढ़ते वक्त मुस्लिम का मुंह किधर रहता है? पश्चिम की तरफ। एक आदमी कह रहे थे खान सर गलत पढ़ाते हैं, मुंह नहीं होता है रुख होता है ना, तो मुंह घुटना में होता है, रुख मतलब होता है कि इधर हम देख रहे हैं, जैसे अभी मेरा रुख इधर है, अभी रुख किधर हो गया? इधर। तो मुंह इधर है, अरे जिन्हें मुंह रहेगा उन्हें ना रुख होता है ना खखोरे का, ये गलत पढ़ाते हैं। एक्चुअली उन लोग को, कुछ लोगों को डाउट इस बात का अभी भी है ना कि अमित सिंह, समझ में आया कि नहीं? रीजन क्या? हम हाय धर्म ना चिल्लाते, बात पढ़ाने के लिए बैठे हैं, पढ़ाते हैं शांति से काम करते। तो रुख कहिए, मुंह कहिए, फेस कहिए, सब बात बराबर है, भाषा का अंतर होता है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये इधर लोग नमाज पढ़ते हैं, तो ये जगह हो गया सऊदी अरब। सऊदी अरब में भयानक रेगिस्तान है, पेट्रोलियम की कोई कमी वहां पे नहीं है, सोना है, धन अथा धन है, तो भाई पैसा का कोई कमी नहीं। दूसरा, टूरिस्ट तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, कि मुस्लिमों की जनसंख्या दुनिया में ईसाई के बाद सबसे ज्यादा है, और उसके बाद भी मुसलमानों में है कि भाई हज यात्रा जाना ही है, का अब मतलब सबको
को जिसकी क्षमता होती है वही जा पाता है भाई, 2.5-3 लाख रुपए लगते हैं। कौन जाएगा यहाँ पे? तो जो पैसे में संपन्न है वो लोग हज यात्रा करने जाते हैं। अब वहां पर टूरिस्ट जब इतने जाएंगे तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये देश कौन सा हो गया भाई? सऊदी अरब। आगे बढ़े, सऊदी अरब में क्या चलता है? राजतंत्र। वहां अभी भी क्या है? राजा है। सऊदी अरब में राजा है, उसके नीचे वाला जगह